माय गॉड सर हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन कर आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 सर पहला ये क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 128 क्वेश्चन नंबर 3B। अब आपको समझ में आया? ठीक है तो ये दैट इज द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ये देखिए जो ब्रैकेट होता है ब्रैकेट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो इसको प्लस माना जाएगा और प्लस माइनस का जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा -13। और यहाँ पर आप देख रहे हो इस ब्रैकेट के पहले भी प्लस है और अंदर भी प्लस है तो इस जब इनका ब्रैकेट की जब ब्रैकेट हटाते हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करके हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। और इस प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? प्लस मल्टीप्लाई प्लस जैसे मैंने बताया था ना प्लस मल्टीप्लाई सर माइनस प्लस प्लस हाँ प्लस ही होता है प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो प्लस प्लस का जो मल्टीप्लाई होगा वो प्लस ही होगा यहाँ पे और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा प्लस 18। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए इंटीजर से संबंधित जो क्वेश्चन हैं बहुत गलत होते हैं वो प्लस माइनस के चक्कर में गलत होते हैं बच्चों के इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लो। देखिए अब ये माइनस का 13 है और प्लस का 18 तो एक माइनस का है और एक प्लस का है। अब इससे आपको माइनस का देना है घटा देना है तो घटाइए तो कितना आएगा आप बताओ बहुत इजी सा है सब लोग करके बताओ जल्दी पहले आप घटा के बताओ सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा यहाँ जल्दी बताओ ये 5 आएगा कि नहीं आएगा आएगा 5 लेकिन साइन कौन सा लगेगा साइन कौन सा लगेगा 6 वाला कौन है 18 से 13 माइनस करो 18 से 13 माइनस करो यस सर 5 आएगा अब एक सेकेंड अब सिंबल कौन सा साइन कौन सर माइनस का साइन साइन कौन सा लगेगा माइनस माइनस क्यों क्यों देखिए साइन वही लगता है एक सेकेंड सर माइनस इनटू प्लस इक्वल माइनस लेकिन यहाँ पर देखिए इनटू हो चुका है एक सेकेंड पहले इधर सुनिए एक सेकेंड इनटू वाला मैटर हो चुका अब यहाँ पर इनटू का मैटर नहीं है केवल प्लस और माइनस का मैटर है। इनटू का मैटर ब्रैकेट के तक रहता है या इनटू का मैटर यहाँ तक हो चुका है यहाँ पे प्लस माइनस का ही चक्कर है और कुछ नहीं है इनटू टू नहीं है तो अब इसमें आप देखेंगे एक प्लस है और एक माइनस है घटा देना सीधे 5 आ जाएगा और साइन वही लगेगा जिसका सिंबल माइनस का जिसका ज्यादा होगा सर माइनस का माइनस वाला तो कम है प्लस वाला ज्यादा है ये ध्यान रखो प्लस वाला 18 ज्यादा है 13 से कि नहीं है 5 किसका बचेगा इसका बचेगा ना इसका बचेगा ना 18 का ये प्लस वाला बचेगा ना ये ध्यान देना इसमें नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा yes, sir. तो ये 5 आ गया ओके सर ये बहुत ध्यान देने की बात है। अब मैं एक दो क्वेश्चन अभी और कराऊंगा एक दो क्वेश्चन अभी और कराऊंगा तो आपको एक एक फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा रहा हूँ सर देखिए एक मैं करवा रहा हूँ बी वाला देखिए बीच में मत डिस्टर्ब करा करिए आपको सर। अब आप देखिए डी 3B इसमें आपको प्लस माइनस का फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा ठीक है। देखिए ये माइनस 250 है माइनस 250 प्लस प्लस 150 देख रहे हो आप लोग क्वेश्चन बुक में
माइनस 250 प्लस प्लस 150। तो अब जब इसमें ब्रैकेट लगा है ना, देख रहा है ब्रैकेट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा माइनस 250 और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया और ये 150 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन हो गए, मल्टीप्लिकेशन का मेथड खत्म हो गया। अब यहाँ से प्लस माइनस करना है बस, तो ज्यादा वाले से कम वाला को माइनस करते हैं तभी घटता है वो। तो अब इसमें से इससे इसको माइनस कर देंगे, 250 से 150 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 100। लेकिन 100 तो आएगा, लेकिन जो साइन लगेगा प्लस माइनस में तो वो किसका लगेगा, माइनस। हाँ क्यों लगेगा सर, माइनस माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए ये ठीक सर। हाँ आप बोल भी दिया करो, मुझे सुनाई पड़ रहा है बीच। हाँ बोलो, थ्री कभी वाला उसमें कौन सा साइन लगेगा आंसर में, लिखा तो है ये सर, जिसका आंसर 5 आया है। हाँ तो इसमें कोई आपको कुछ दिख रहा है आगे, 5 के आगे कुछ दिख रहा है, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं ना, नो सर, 5 बस लिखा है ना सर, 5 बस लिखा है कि 5 के आगे और कुछ लिखा है, कुछ साइन लगा है कि नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो इसका मतलब है ओनली 5। और ओनली 5 का मतलब है कि जिस भी डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस माना जाता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है। ये 5 ही है बस। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा लेकिन लिखा नहीं जाता, वो एक्चुअल में ऐसे ही मान लिया जाता है, 5 ही है ये 5 लिखा। अगर माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा, इट इज मस्ट, तो भी लिखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये 100 है ना, माइनस 100 आ रहा है, माइनस लगना जरूरी है, तो इसलिए माइनस लगा है। अब समझ में आया कुछ सबको, चाहे से प्लस 5 लिखो या 5 लिखो, करेक्ट। बस यहाँ पे अगर माइनस अगर आएगा तो माइनस को लिखना जरूरी हो जाएगा, उसको लिखना ही लिखना पड़ेगा। यस सर, नोट कर लीजिए। यस सर, समझ में आ गया। सर हाँ, और कोई क्वेश्चन इसमें से आपको पूछना है या? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। नो सर। चलो फिर रेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ूँ। यस सर, रेस कर दीजिए। सर कोई सोच रहा था। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ, इनको कैसे करना है, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4A में है 137 एंड माइनस 354 है भाई मेरी बुक में, तो क्यों आपकी बुक में क्या है? यस सर सॉरी। हाँ यही है ना सर, 54 है, धोखे से बोल दिया। ओके ओके, देखिए ऐसे लिखा है, तो इसमें लिखा है करना क्या है आपको कि फाइंड द सम ऑफ, तो वहाँ 137 एंड यहाँ पे लिखा है प्लस कर देंगे, और यहाँ पे जो है इसको भी ब्रैकेट में पहले से कर देंगे ऐसे करके। अब ये क्वेश्चन बन गया इस तरह से। अब ये इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले आप कर चुके हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हो ना, तो
यस सर। तो अब इनको ब्रैकेट ओपन करने के लिए वही प्रोसेस जैसे हमने किया था, यहाँ पे प्लस 137 प्लस माइनस का यहाँ पे देखेंगे ये क्या होगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमने लिखाया था फार्मूले में, प्लस माइनस का माइनस होता है, प्लस प्लस का प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा और ये 354। अब एन के बाद क्या लिखा है? अब इस ज्यादा वाले से छोटे कम वाले को माइनस कर देते हैं, तो ये सर एन के बाद वाला क्या लिखा? 354। इसको माइनस जब करोगे तो ये 7 सर एन के बाद क्या लिखा है? ये माइनस 354। बुक है आपके पास? बुक में वही लिखा है, क्वेश्चन है ये। बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो थोड़ा, बुक से देख लीजिएगा, है ना? पहले प्लस करना है। और ये माइनस जब करेंगे इस बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 217। पहले माइनस करना है। आप 217 तो आएगा, लेकिन साइन कौन सा, साइन कौन सा लगेगा? साइन साइन ये ज्यादा वाला। हाँ ये माइनस, ठीक है, हो गए सर। अब ये तब उसका इसको देख लीजिए और समझ में आया होगा, आई थिंक कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये आया है ना समझ में? जहाँ जिसको कोई डाउट हो yes, तो बता दें। नो सर, नो डाउट। ओके, कोई डाउट नहीं है। हाँ नोट कर लीजिए फिर इसको फटाफट। ओके सर, सर नोट हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और है, 4b माइनस 52 हम कर लेंगे एंड 52 माइनस 52 एंड 52 तो माइनस 52 प्लस एंड की जगह प्लस यहाँ पे प्लस 52। अब इसका जो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस 52 और प्लस तो 52 ये है ही। अब ये 52 में से 52 दोनों इक्वल है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 52 में से नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा सर, नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा। तो 52 में से 52 माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दिख रहा है जीरो, ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो, माइनस जीरो, माइनस जीरो, माइनस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, जीरो 104 होएगा। हां 104 क्यों सर? प्लस 104 है सर, ओनली जीरो भाई। 104 क्यों होगा? यहाँ पे भी अगर प्लस होता, ये भी प्लस होता, तब ना होता 104। एक प्लस है एक माइनस है, तो सीधे प्लस से माइनस वाले को घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो आ जाएगा। देखो ना इधर क्वेश्चन सर, नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो जीरो आंसर हो गया जीरो। और क्या अब क्या करना है? यस सर जीरो आएगा। साइन कौन सा लगेगा? जीरो में कोई साइन नहीं, जीरो में कौन सा कोई साइन नहीं लगाना, जीरो है चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसमें कोई साइन नहीं लगा, ओनली जीरो। यस सर राइट, ओनली जीरो, नो साइन इज देयर। ओके ओके सर, आई हैव कंप्लीटेड। अब देखिए, हाँ इरेज कर दूं मैं इसको? नहीं पर यस सर, यस सर हो गया, कर दीजिए। यस सर कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर कोई और से पूछना है? नहीं तो एक ब्रेड मंगवा लो, ब्रेड नाना जी को अच्छी लगती है, मैं सेब दूंगा। हां ब्रेड जल्दी से मेरे को ब्रेड लेके आना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द सम, ये भी फाइंड द सम है, फाइंड द सम कौन सा सम?
क्वेश्चन नंबर ए में है माइनस सेवन ब्रैकेट में माइनस सेवन फिर है प्लस प्लस माइनस नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन दैट इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, आप देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए. माइनस सेवन प्लस माइनस नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन ठीक है. अब इसमें से वैसे ही करेंगे जो प्रोसेस हमने अभी बताया था. ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तोड़ेंगे तो, है ना, ब्रैकेट को. तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माना जाएगा, यहाँ माइनस है ही ऑलरेडी, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सेवन. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस सेवन. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, फिर नाइन, फिर यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है ही, प्लस ये सिक्सटीन है ही ऑलरेडी, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है. अब ये ब्रैकेट भी ओपन हो गए. अब आप देखेंगे इधर कि माइनस सेवन माइनस नाइन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, तो माइनस माइनस वाले आप देख लो कितने हैं, ये दो माइनस माइनस के हैं और ये प्लस प्लस के हैं. तो माइनस माइनस वालों को अलग ऐड कर लो, अलग से ऐड कर लो, उनको ऐड कर लो अलग से, तो ये हो जाएगा नाइन और सेवन सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन, और प्लस प्लस वालों को अलग ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा इधर प्लस सिक्सटीन में प्लस फोर करोगे तो ट्वेंटी होगा. ठीक है, प्लस का ट्वेंटी, प्लस के ट्वेंटी और माइनस के नाइन, माइनस के सिक्सटीन. अब सिंपल हो गया, अब तो ये सिंपल हो गया. अब सिक्सटीन से माइनस ट्वेंटी से माइनस सिक्सटीन सब्ट्रैक्ट कर दो. सिक्सटीन से माइनस ट्वेंटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, फोर आएगा. शांत रहो, शांत रहो, चलत है क्लास. लिसन लिसन प्लीज, देखिए प्लीज प्लीज, ये देखिए आपको, आपने देखा कि 20 से 16 माइनस किया, सब लोग करके देख लो अपनी अपनी बुक में, तो कितना आएगा, फोर आएगा. आप यही आंसर होगा, देख लीजिए इसका आंसर और करिए इसे फटाफट, नोट करिए फटाफट. नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने. तो मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लगभग सभी क्वेश्चन कर दिए हैं. एक आध क्वेश्चन जो छूटे हैं तो वो आप लोगों को करना है, प्रैक्टिस करना है उनकी. तो इसमें से एक जो क्वेश्चन जो छूटे हैं वो आप होमवर्क में करेंगे. अच्छा ठीक है, बी बता दे रहा हूँ. हाँ बी, बी पांच फाइव डी क्वेश्चन है. 37 ब्रैकेट में 37 प्लस माइनस टू प्लस माइनस 65 प्लस माइनस 8 37 प्लस माइनस टू प्लस
माइनस 65 प्लस माइनस 8। अब इसका जो ब्रैकेट है ओपन करेंगे तो कोई सिंबल नहीं है, दोनों तरफ प्लस है तो 37 ही रहेगा। अब इधर, हाँ इधर का देंगे ध्यान देंगे यहाँ पे सिंबल में कि यहाँ साइन क्या लगेगा, इस साइन के लिए ध्यान देंगे। तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस 2। फिर यहाँ भी वही चीज, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 65। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस 8। देखा आपने यहाँ पे तो प्लस प्लस ही है तो 37, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस 2, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया 65, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया 8। ठीक, तो 37। अब ये जितने माइनस वाले हैं सबको एड कर दो तो ये 65 प्लस 8 प्लस 2 75, और 75 हो जाएंगे 8। इन सबको एड कर दो जितने माइनस वाले हैं और साइन लगेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा इधर 37 माइनस 35। अब ये माइनस 35 लिखा है एक तरफ और एक तरफ है 37, तो आपको करना क्या है वही चीज, ज्यादा वाले से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यानी 75 से आप 37 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 38 आएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा ये भी आप ध्यान दीजिए, साइन लगाने के लिए ये जो माइनस वाला ज्यादा है ना, बड़ा है, इसलिए इसी तरफ का माइनस का ही साइन यहाँ पे लगेगा कहने ये, ठीक है। इससे आप इसको माइनस करके ये चूंकि ज्यादा है तो इधर वाला ही साइन यानी माइनस वाला ही लग जाएगा, ठीक है। माइनस 38। नोट कर लीजिए फटाफट। Any questions, any query, any doubt, anybody? No, sir. Last question था ये इस exercise का, और I think कि मैंने लगभग सभी questions कर दिए हैं, और जो बचे हैं वो एक दो वो आप कर लेंगे और एक बार इसको revise कर लेंगे, ठीक है। तो okay, अब मिलते हैं next day। Bye, sir. Thank you. Bye. 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 B